अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम लोग एक्टिव पैसिव करेंगे, ठीक है। एक्टिव पैसिव क्या होता है? दिस इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर स्टेटमेंट, योर सेंटेंस, व्हाट यू वांट टू से, ठीक है। नॉर्मली व्हाट वी से, द सेंटेंसेस वी यूज़ नॉर्मली आर इन एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो हमने उनको फिर पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और उसको किस तरह से चेंज करते हैं वी विल डिस्कस, ठीक है। सेंटेंस में सबसे पहले तो ये बात कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं एक सेंटेंस में। तीन चीज़ें आपने देखनी हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ें आपने हर सेंटेंस में आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। क्योंकि इनको देखते हुए आपने एक्टिव को पैसिव और पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना है। जितने भी आपके टेंसेस हैं, प्रेजेंट के टेंसेस, पास्ट के, फ्यूचर के टेंसेस जितने भी हैं, उन सब का पैसिव वॉइस होता है। चार सेंटेंसेस का बट नहीं होता। आपके पास होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका क्या मतलब हुआ कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, ये तीन टेंसेस हैं, इनका पैसिव वॉइस नहीं होता है, नहीं चेंज होता है इसका पैसिव वॉइस। एक और टेंस है फ्यूचर का, कॉन्टिन्यूस जो होता है। अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। तो आपके पास जो टोटल चार टेंसेज हैं जिनका के पैसिव वॉइस नहीं बनता। अच्छा जी, अब जब हमने पैसिव वॉइस बनाना है, व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। सब्जेक्ट कौन होता है? जो एक्शन कर रहा होता है, द वन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन। वर्ब इज़ द एक्शन, द एक्ट। एंड ऑब्जेक्ट इज़ के जिस पे वर्ब का एक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। जब आपने इस सब को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है किसी भी एक्टिव सेंटेंस को, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास सेंटेंस है, आई ड्रिंक मिल्क एट नाइट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? कौन बंदा एक्शन कर रहा है? ये बंदा एक्शन कर रहा है। सो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद एक्शन क्या हो रहा है? ड्रिंक। ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। एंड मिल्क एक्शन पिया क्या? वर्ब आपका ड्रिंक है, तो ड्रिंक क्या चीज़ हो रही है? क्या चीज़ को ड्रिंक किया जा रहा है? मिल्क को। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जिसको कि आपने उसकी जगह पे ही रहने देना है, जिसको आपने मोस्टली नहीं छेड़ना होगा। अच्छा, अब पैसिव वॉइस जब हमने बनाना है तो हमने क्या करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाना है। ये वाली जो चीज़ है आई, ये यहाँ आएगी, और ये जो मिल्क है ये इधर आएगा। एक बात ये हो गई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कौन सी फॉर्म है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म है ड्रिंक, ठीक है। जब आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं किसी भी टेंस का, ठीक है, तो आप कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म, ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस, वो कोई भी टेंस हो, ठीक है जी। ये हो गया। एक और बात, जब भी आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो जब आप इस आई को यहाँ पे लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो उससे पहले आपने क्या वर्ड यूज़ करना है? बाय, ठीक है। उससे पहले आपने बाय बिफोर सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या है देखने की, कि आपने चेंजेस क्या करनी है प्रोनाउन के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ आपने देखा, यहाँ लिखा हुआ था आई, ठीक है। अगर तो कोई नाउन है तो वो चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंजेस प्रोनाउन में क्या करनी है? अगर आई लिखा हुआ है तो वो मी में कन्वर्ट हो जाएगा जब वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। ये सब्जेक्ट है आई, इसने अब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाना है, यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे जब आपने आई लिखा है तो आपने उसको आई को चेंज कर देना है मी में, ठीक है।
ही को किस में कन्वर्ट करेंगे आप? हिम में. शी को हर, दे, देम. वी की जगह पे अस एंड यू, यू ही रहता है. ठीक है. अच्छा जी, आप लोग ये सारी चीज़ जो है अपनी नोटबुक्स में लिख लेंगे, एक्टिव पैसिव की हेडिंग डालेंगे, आप लिखेंगे तीन पॉइंट्स लिखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है. उसके बाद आप पैसिव वॉइस लिखेंगे और आप ये पॉइंट्स लिखेंगे. पॉइंट नंबर वन आपका क्या है? सब्जेक्ट को आप एरो लगा के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एरो लगा के सब्जेक्ट. थर्ड पॉइंट आपका क्या है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है. फोर्थ, चौथी बात कि बाय लगाना है बिफोर सब्जेक्ट. और पांचवी बात ये है जो चेंजेस होनी है ये सारे प्रोनाउन के अंदर, ये सारी बात हो जाएगी.